हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपशा और आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम कैनवा में वैलेंटाइंस डे सेल का एक इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट का एक स्क्वायर साइज का जो पेज होता है वो क्रिएट कर लिया और मेरा जो पोस्ट होगा तो इसके लिए जो जो एलिमेंट्स लगेगा तो वो हम कैनवा में से ले लिया। जैसे कि ये ग्रेडियंट, जो आपको ग्रेडियंट सर्च करने से मिल जाएंगे, और वैलेंटाइंस डे बैकग्राउंड सर्च करने से आपको बहुत सारा ऐसे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये एक फ़ोटो यूज़ किया, यूज़ करने वाली हूँ ये जो पोस्ट बनाऊँगी उसके लिए। फिर ये जो लाभ वो आपको मिल जाएंगे वैलेंटाइंस डे सर्च करने से, ये लाभ आपको मिल जाएंगे। और फिर आता है ये जो स्प्लैश, तो स्प्लैश आपको ऐसे स्प्लैश सर्च करने से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, और एक शेप लिया हो राउंडेड रेक्टेंगल जो शेप होता है नॉर्मली वो लिया हो। तो इसके बाद हमें क्या करना है, डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने ऐड पेज कर लिया। तो फर्स्ट मुझे ये जो पिक्चर है उसको हमें बैकग्राउंड में सेट करना होगा, तो मैंने ऐसे इसको रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद इसको ऐसे हम रख लेंगे, ठीक है, और इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। ऑल्ट प्रेस करके, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आप डुप्लीकेट बना सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना होगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना होगा, सॉरी फिर वर्टिकल करना होगा, ठीक है। मैं फिर से दिखाती हूँ, इसको हम फ्लिप वर्टिकल करेंगे और इसको हम ऐसे यहाँ पर फिर से सेट कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो कैपिंग हो वो मेंटेन हो जाए। और इसके बाद हमें इसको ढकना है, तो इसके लिए मैंने और एक कंट्रोल डी प्रेस करके और एक डुप्लीकेट ले लिया है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देंगे, तो ऐसे हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये हमको, ये जो ग्रेडियंट है इसमें से आप ऐसे करके, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम कर रहे हैं क्योंकि इसको हम कुछ, ये जो पिक्चर है वो तो पूरा बैकग्राउंड में फिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने कर रहा हूँ। तो अगर आपका पिक्चर बैकग्राउंड में अच्छी तरह से फिट हो जाए तो ये आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो हम ऐसे पिक कर लेंगे और पिक करके ये कलर दे देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी के लिए हमें टी प्रेस करना है और इसमें हमको लिखना है वैलेंटाइंस डे सेल, ठीक है। तो इसको हम सिक्स कैप्स बोल के एक फॉन्ट में रख लेंगे, और इसको हम अपर केस में कर लेंगे। इसका जो लाइन स्पेसिंग है वो हम ऐसे कम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे अलग कर लेंगे, अगर चाहो तो ऐसे रख सकते हो। इसको हम कलर दे देंगे, फिर ये जो एलिमेंट है ये हम इसमें ऐसे पुट कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से टाइपोग्राफी यानी कि टी प्रेस करना है, तो इसमें लिखना है
50% ऑफ, इसको हमें फॉन्ट स्टाइल मैं दे रहा हूँ यहाँ से ग्लासियल, ग्लासियल यूनिवर्स बोल के एक फॉन्ट है जो कि कैनवा में मिलता है, तो वो फॉन्ट हम दे दिया और इसको हम ऐसे यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो इसके बाद फिर से मैं ये टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लूँगी और यहाँ से लिख दूँगी ऑन सिलेक्ट आइटम्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रख लेंगे और इस जो साइज है वो ऐसे छोटा कर लेंगे, ठीक है। फिर आप एक बटन ले लेंगे, तो बटन करने के लिए आप नॉर्मली यहाँ से ये शेप ले सकते हैं। तो ये शेप लेकर मैंने ये कलर जो दिया है, यानी कि जो फॉन्ट का जो कलर है वो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसका जो कॉर्नर राउंडिंग वो ऐसे कम कर दे रहा हूँ। तो ऐसे हम यहाँ से फिट कर देंगे और इसको हम ऐसे डुप्लीकेट करके इसका जो टेक्स्ट वो लिख लेंगे और इसको हम वाइट कलर में कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें ये टेक्स्ट डुप्लीकेट करके आप अगर चाहो तो वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे नीचे पेस्ट कर देंगे, तो पूरा के पूरा जो ग्राफिक्स है वो तो बन के तैयार है, आप देख सकते हो। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ग्रुप कर लूँगा और इसके बाद ऐसे हम रखेंगे। और लास्ट जो ये जो स्प्लैश एलिमेंट है, तो स्प्लैश एलिमेंट को हम यहाँ से ऐसे कलर देकर ऐसे हम रख सकते हैं। इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको भी हम ऐसे यहाँ पर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, वैलेंटाइंस डे का जो सेल का जो पोस्ट है वो बनके तैयार है। आप अगर चाहो तो इसको आप कोई भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और डाउनलोड JPG, PNG, PDF कोई भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वैलेंटाइंस डे सेल का पोस्ट कैनवा में आप ज़रूर ट्राई करके देखना, और आप अगर चाहो तो कैनवा टेम्पलेट के मदद से भी डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा टेम्पलेट है, तो उसको इस्तेमाल करके भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।